हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सीएनजी अपनी गाड़ी में कैसे डलवाएं, किस प्रेशर पर डलवाएं। अगर इतना प्रेशर है तो वहाँ पे आप सीएनजी मत डलवाएं, और अगर इतना प्रेशर है तो डलवाएं। तो दोस्तों, मैं वो प्रेशर ही बताऊंगा कि कितने प्रेशर पर आप सीएनजी डलवाएं। तो दोस्तों, ये मेरा टाटा एस है, अभी मैं इसमें सीएनजी डलवाऊंगा। ये गुड़गांव का सीएनजी पंप है दोस्तों। तो अभी ये मैंने यहाँ से खोल दिया। तो दोस्तों, ये अपना गाड़ी में सीएनजी का मीटर है, अभी अभी सीएनजी पंप पर चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी सीएनजी पंप पर जाते हो तो यहाँ पे रेट है 86 रुपये किलो। तो ये जो साइड में आप जो मीटर देख रहे हैं, ये हमेशा अगर 200 पर रहे तो ही आप सीएनजी डलवाएं, अगर ये कम हो तो आप दूसरे पंप पर सीएनजी डलवा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी ये यहाँ पर सीएनजी डालेगा, ये मैं इसको, ये अगर आप सीएनजी डलवाते हैं तो ये एक पिन होती है, इसको अपने को निकालना होता है। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर ये पिन आपकी खो जाती है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो दोस्तों, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए सीएनजी डलवाते समय, कि प्रेशर हमेशा 200 से ऊपर होना चाहिए। साइड में आप ये जो मीटर देख रहे हैं, ये 200 से ऊपर होना चाहिए। अभी मैं लाइव आपको दिखाता हूँ, अभी ये सीएनजी डाल रहा है अपनी गाड़ी में, देखिए दोस्तों। तो अभी इसने ये स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर प्रेशर पूरा 200 है, ये मीटर इनका थोड़ा टूटा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा 200 का प्रेशर है। तो दोस्तों, अगर आप 200 के प्रेशर में या उससे ज़्यादा के प्रेशर में सीएनजी डलवाते हैं तो आपकी सीएनजी भी ज़्यादा आएगी और पैसे भी कम लगेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे प्रेशर 150 का हो तो वहाँ पे दोस्तों आप सीएनजी मत डलवाएं, हमेशा 200 या 200 से ऊपर प्रेशर वहीं पे आप सीएनजी डलवाएं। आपको मैं एक जगह और दिखाता हूँ दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, ये देखिए 200 से ऊपर हो वहीं पे आप सीएनजी डलवाएं दोस्तों।